ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਹਿਰਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਕੀਰਤਨ ਜਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਗਮੈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
फिर जेड़ा इंसान है समाज चाहता है तो फिर वह कहना भी जेड़े समाज रूपी समाज के सराम रूपी समाज के इंसान आया सी एक सराम के यात्री बहुत माड़ा आया जी वे वडेरे ने सराम तैयार किए दूषित करके चला गया। एक बाग का जोड़ा माली सीगा वह बहुत बड़ा माली सी इन्हें ना गुरु की लग रखी ना पंथ की लग रखी ना कौम की लग रखी ना सिद्धांत की रखी ना गैरत की रखी ना अंक की रखी ना जमीर की रखी पता नहीं कि रस्ते तुर गया। तो फिर ये जे चार पलवारी परिवार ने कहा कि दूषित करके चला गया है। जेड़ा इंसान अपने धर्म के सूलों के मुताबिक चला जाता है वह सच की गल करता अणख की गल करता है गुरु की गल करता गुरु ढंग को बढ़ावा नहीं दिता। तो फिर वो कहते हैं इस समाज रूपी सराम के जो यात्री आया सी ये बहुत वधिया यात्री सी इस कमरे को दूषित करके नहीं गया आने वाले यात्री इस तो सुख्या लग के कैसा यात्री आया। तो ये खीर के कहते कि जेडे इस बाग का कमाली सी जिहड़ी ये बगीची निक्की जी तैयार की सी उन्हूं बहुत वड्डी खुशबूदार बना के कौम की चढ़ती कला लई अपने अंक की चढ़ती कला लई काम कर रहा है ये यात्री बहुत वधिया सी। ते सो बापू जी इस समाज दे विच एक सराह दे बहुत वधिया यात्री भी सन इस सरा इस बाग दे बहुत वधिया माली सन जिहड़ा बगीचा सन गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब ने दिता है उस बगीचे के मुताबिक उसूलों के मुताबिक अपने परिवार को हरा भरा करके गया। प्रोफेसर बरजिंदर सिंह वर्गे जिहड़े योधे कौम की जिहड़ी बड़ी वड्डी लड़ाई लड़ रहे हैं वह सानू मार्गदर्शन दे के गए हैं। आप सारे सिख धर्म च पैदा हुए हैं आपां नूं इत्थों एक गल सीख के जानी चाहिए है 1469 च गुरु नानक देव जी आए सन आप सारे दब्बे कुचले लोग सीगे कोई अपने मूंह दे विच थुक सड़दा सी कोई अपने डस्टबिन तरह वरतदा सीगा। सरदार हरदीप सिंह जी टिपड़वा प्रधान राजस्थान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कि चंद शब्दों के आप जी नाल बापू जी नूं श्रद्धा दे फुल भेट करनगे। उस तो बाद जुगो जुग अटल बाणी के बोले चवर तखत दे मालक प्रत्यक्ष सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे जुड़ जुड़ बैठी सात सिंह जी फतेह प्रवान करो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जो आया सो चल सी सबको आई बात अज असी जिस महान आत्मा की याद में जिथे जुड़ बैठे हैं उन्हों का जीवन साढ़े लिए बहुत वड्डी प्रेरणा छड़ के गया है अज असी उन्होंने याद कर बैठे हाँ। तो मेरा मन करता है कि अज असी उन्होंने ही गल करें क्योंकि बाकी गल कर बहुत स्टेजा असी बहुत सारिया गल कर सकते पर अज जिस थान पर असी खड़े हाँ सानू अज उन्होंने ही गल करनी चाहिए। मैं इस परिवार न लगभग पिछले 7-8 साल तो जुड़िया बलजिंदर सिंह प्रोफेसर बलजिंदर सिंह मोरजा जी अज कोई जे मैं कहा कि उसकी कोई पहचान मैं दसा तो इसकी लोड़ नहीं क्योंकि बलजिंदर सिंह मोरजन पंथक सफा विच देशां विदेशां विच एक जाणिया पछाणिया नाम है। तो मैं समझदा जे कि अज प्रोफेसर बलजिंदर सिंह देशां विदेशां विच एक जाणिया पछाणिया नाम है तो वह उस बुजुर्ग की इस समाज में इस कौम में सब तो वड्डी देन है क्योंकि जिस तरह किरती रहिंदियां एक बहुत छोटी जी जिमीदारी दे विच उन्होंने इस परिवार को पालिया संभालिया और गुरमत की गुरती दिती उसका प्रतख उदाहरण है प्रोफेसर बलजिंदर सिंह क्योंकि राजस्थान में असी जिहड़े राजस्थान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाम थले पिछले 15 साल तो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। साड़ी कोशिश है
कि राजस्थान के सिखा एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठा किया जाए, ये राजस्थान के सिखा की आवाज़ बने, राजस्थान के सिखा के सामने जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने जिहड़ियां चुनौतियां ने वो अपनियां चुनौतियां ते अपनियां प्रॉब्लम दे हांदा होवे, उन्हूं ना पंजाब वल वेखना पवे ते ना किसी होर दूसरे वल वेखना, क्योंकि असीं सारे जाणदे हां कि अज पंजाब अपनियां समस्यां विच आप ही इन्ना उलझा होया है, उस तों अपनी मदद आप ही नहीं कीती जा रही, वो बाहर दे सिखां दी की मदद करेगी। इसलिए मैं फिर अपने विषय ते आवां कि बापू जी होणा ने जो हीरा इस समाज में दिता है, जो उन्होंने देन है बजिंदर सिंह मोरजन, जो लगातार इस तरह पंथ की सेवा करता आ रहा है, मैं दसवीं में माण महसूस कराँगा कि बलजिंदर सिंह ने अपनी नौकरी जो छापिया वाले कॉलेज में करता से वो चाहता तो उस समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेता तो शायद वो नौकरी नहीं सी जानी, और वो नौकरी वो शौक नहीं सी, वो परिवार की रोजी रोटी उस नौकरी तो चलती सी, उसका भरण पोषण उसके परिवार का उस नौकरी ना होता सी, पर उसने पहल किसने दिता, उसने पहल पंथ को दिखी, पंथक विचार दिखी, पंथ की सेवा दी। इसलिए मैं समझदा हाँ कि बापू जी साडे विचों गए ने, वो अपने पिछे एक ऐसा रुख एक बिरश सानू साडे विच ला गए हैं, बूटा ला गए हैं, जिसने आने वाले समय में बहुत फलना है, बहुत फैलना है, उसकी खुशबू छोटी उम्र में ही देश दुनिया तो बाहर फैली हुई है, और मैं अरदास करता हाँ कि वो जिस तरह ना उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की है, मैं उम्मीद करता हाँ कि वो अपनी जिंदगी इसी तरह ही पंथक सफा में सेवा करदा लंघाएगा। तो अज मैं अपने वालों राजस्थान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे कारकुनों वालों, सारे राजस्थान के सिखा वालों, मैं बापू जी को श्रद्धा के फुल भेंट करता हाँ। बोलदिया कोई गलती हो गई हो माता जा सिखा, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की। जुगो जुगो अकाल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पावन पवित्र हजूरी विच विराजमान सात संगत जी, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। अज आप सारे बाबा दीवान सिंह जी के अंतिम अरदास में शामिल होने वास्ते आए हैं, और बाबा जी साडे पिंड में बड़े जुड़े हुए सन और साडे पिंड की बड़ी सेवा की है, खास करके मेरे बाबा जी चंगे दोस्त सी और सारे परिवार बड़ा प्यार से उनका, और मैं परमात्मा अगे ही अरदास करता है कि इन्होंने अपने चरणों में नवाज दे, और पिछे पूरे नरे परिवार को दुख सहन की शक्ति बख्शन, वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु जी फतेह। परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो आप जी को पता है कि अज आप बाबा दीवान सिंह जी की अंतम अरदास पहुंचे हैं, बड़े वक्तियां ने आप जी गुर इतिहास नाल कीर्तन नाल होर विचारां नाल जोड़न का यतन किया है, मैं सारिआं दा तहे दिलों धन्नवादी हाँ। खास करके जिहड़ी अज इत्थे गल देखण नूं मिली है, बोलने वाले बुलारिया के अंदर एक दर्द है कौम के प्रति, सिख धर्म के प्रति, बहुत वधिया गल है, बहुत चंगी गल है, एक जरिया बने साडे बजुर्ग एक कौम प्रति एक सतगुरां के महान ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने के वास्ते, अज जो कुछ भी होया साडे वास्ते होया, क्योंकि बाबा जी साडे विचकार चले गए, उन्होंने जो जीवन किया उन्होंने प्राप्त हो जाना है। सो मैं भाई जसकरण सिंह जी का बहुत धन्यवादी हाँ, जिन्होंने बड़िया थोड़े समय में कौम वास्ते कौम सुचेत करने वास्ते सानू गल दसियां, सारे बुलारे वधिया, ये नहीं भी आप नहीं बोलना जी आ नहीं बोलना, मेरी बेनती है जो कौम प्रति जो सूरमे काम कर रहे हैं उन्होंने कर दौ, असी जिन्ना करना है असी अपना करना है, असी की करना है कौम वास्ते ये साडी मानसिकता है, सो इस करके असी चढ़ती कला दे विच हो के सेवा करनी है। गुरु पातशाह दा एक पवित्र वचन है, कबीर लूटना है तो लूट ले राम नाम है लूट,
फिर पाशा पछता होंगे जब प्राण जाएंगे शूट। बस यही बेनती करके मैं समाप्ति करना है। जिनी जिंदगी रही है भाई सिमरन कर लगे वाहेगुरू की बंदगी जुड़ जाइए, विकारा तो विषयों को बच गए, मन मतों को बच गए, चाहते मापियां की सेवा कर लिए, मरण तो बाद अडंबर बंद कर दिए, क्योंकि साड़ी सोच है उत्थे जे हजे जो साडे वड्डे बुलारे है कौम हित की सेवा करते चढ़ती कला असी अजे तक इतों नहीं निकले। मर्ग के उत्ते लड्डू जलेबियां बंद नहीं कर सके, मिठाइया चल दी हैं, ब्याह शादियों के उत्ते एवें अडंबर चलते हैं। इन्हों पर गौर करिए, यह गल् करने वाली गुरु की हजूरी में इन पहला हुआ कि उन्होंने जाच करा जी भुला दी खिमा बख्शनी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की तुमरी गत मित तुम ही जानी, तुमरी गत मित गुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी अरदास अंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती की सुनाए वार, श्री भगवती जी के पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरगै गुरु नानक लिखते आए। फिर अंगद गुरदेव अरदास राम दसवीं सुनवाए, अर्जुन हर गोविंद राम सिमराम श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याई गया सबक बजाए। तेग बहादुर सिमरियै घर नौ नित्या बैताए, सब खाई हुई सहाय। दसवा पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब खाई हुई सहाय। दसा पातशाहियां की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ की दार दा ध्यान कर भला दे। पंजा प्यारिया साहिब का ध्यान सारिया मुक्तियां खटियां जपियां तपियां, जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई देख वागी देख के अणगिठ कीता। इन्ना प्यारिया सत्यारिया की कमाई का ध्यान धर बलो दे। जिन्ना सिंघा सिकड़िया ने धर्म खेत शीश दिते, बंद बंद कटवाए खोपरिया लवाइया सड़कियां ते चढ़े। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहराया गया भई अकाल की सब सिख भोग मनाए, गुरु ग्रंथ जी मामे जो शब्दा कर सी मुंदे